नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिल्मी बीट पर। शहनाज के पापा संतोष सिंह सुख का बड़ा बयान सामने आ चुका है। अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने पंजाब के एक चैनल में एक इंटरव्यू दिया है और यहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। इसके अलावा आपको बता दें, शहनाज गिल के पिता सभी सबूतों के साथ निर्दोष भी साबित हो चुके हैं। सोर्सेस की माने तो उन्होंने पुलिस से सीधे बातचीत की, वो फरार नहीं हुए थे, ऐसी खबरें थी कि वो फरार हो चुके हैं। सोर्सेस की माने तो ये खबरें बहुत ज्यादा मीडिया में चल रही थी कि वो फरार हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फरार नहीं हुए थे, उस वक्त तक वो इसलिए सामने नहीं आए थे क्योंकि पुलिस से उनकी बातचीत नहीं हुई थी। वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी बातचीत पुलिस से हो जाए, और इसके बाद संतोष सिंह जब ये सब कुछ हो गया तो खुद आकर उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपनी सारी बातें बताते नजर आए। संतोष सिंह सुख ने कहा कि उस महिला ने जो भी इल्जाम लगाया वो सरासर गलत है। उन्होंने बताया कि जब वो महिला उनके पास पहुंची थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, जिन्हें संतोष सिंह बचा रहे थे, वो इस बात का इल्जाम लगा रही है कि शहनाज के पिता पहुंचे कहीं और लेकर उसे, जबकि संतोष सिंह ने कहा कि वो तो घर से निकले ही नहीं, और इसका सबूत मोहल्ले के लोग भी दे सकते हैं क्योंकि मोहल्ले के लोग भी जानते हैं कि संतोष सिंह कहीं नहीं निकले। साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज भी इस बात का सबूत है। तो इस तरह से बहुत सारे सबूत के साथ वो इकट्ठे हुए, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि संतोष सिंह पर लगे ये इल्जाम पूरी तरह से सरासर गलत है और इस तरह से उन्हें फंसाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं से ये भी है कि जिस तरह से शहनाज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, इसको लेकर भी ये सारी बातें सामने आ रही है क्योंकि लगातार हेटर्स जो हैं वो शहनाज गिल पर निशाना साधते नजर आते हैं। और अब इस इंटरव्यू के साथ शहनाज गिल के पापा निर्दोष साबित हुए हैं, और अब इस पर क्या नई अपडेट आती है इस पर भी हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।